गाइस आइए देखते हैं विदुर नीति श्लोक संख्या 25। यह श्लोक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और विदुर नीति के बहुत ही मोस्ट पॉपुलर श्लोकों में से एक श्लोक है। आइए देखते हैं क्या है। यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्मार्थानुवर्तते कामार्थ विनीते यह सौवै पंडित उच्यते। अर्थात जो व्यक्ति सांसारिक होते हुए भी धर्म और अर्थ है ना, धर्म और अर्थ का पालन करता है, सांसारिक होते हुए भी का अर्थ है जो संन्यास जीवन नहीं है, वानप्रस्थ जीवन भी नहीं है, ये जो है एक जो लोक व्यवहार में लोग जीते हैं गृहस्थ जीवन है, मतलब नॉर्मल सांसारिक लाइफ है। तो जो व्यक्ति सांसारिक होते हुए भी धर्म और अर्थ, धर्म तो समझते हैं आदर्शों को जीवन में धारण करना वह धर्म है, और अर्थ, अर्थ का अर्थ होता है जो अर्थ का अभिप्राय है, अर्थ का अभिप्राय है कि मतलब या प्रयोजन, मतलब यह हुआ कि जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं या जो कोई प्रयोजन है आपका, जो आपका टारगेट है उसको अर्थ बोलते हैं, है ना, अभिप्राय भी कहते हैं इसको। और अर्थ का पालन करता है या अपने मतलब या फिर अपने प्रयोजन का पालन करता है, जिस चीज़ जिस उद्देश्य के लिए वो काम कर रहा है उसका कोई अर्थ है, कोई उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हम अर्थ कहते हैं या फिर उस मतलब के लिए जो काम किया जा रहा है उसको अर्थ कहते हैं। तो क्या है, जो व्यक्ति सांसारिक होते हुए भी धर्म और अर्थ का पालन करता है तथा काम है ना, काम का अर्थ होता है इच्छा कामना या इंद्रिय सुख, काम का अर्थ क्या होता है इच्छा कामना या इंद्रिय सुख, जो हम अपने इंद्रियों द्वारा सुख उठाते हैं उसको काम कहते हैं, तथा काम और अर्थ में मतलब अपने टारगेट में और अपने इंद्रिय सुख में से अर्थ को ही चुनता है, मतलब अपना टारगेट अपना लक्ष्य अपना अभिप्राय को ही चुनता है, वही मानव महामानव है या फिर वही पंडित है। एक बार फिर देख लेते हैं, जो व्यक्ति सांसारिक होते हुए भी धर्म और अर्थ का पालन करता है, धर्म का मतलब आपको मालूम है और अर्थ का पालन करता है, तो अर्थ का अर्थ होता है प्रयोजन है ना, अर्थ का अर्थ होता है प्रयोजन या मतलब, तो ठीक है अपने मतलब का पालन करता है, तथा काम और अर्थ में मतलब इंद्रिय सुख भोग जो होता है कामना मैथुन वगैरह इसको बोलते हैं, काम और अर्थ में, अर्थ का मतलब भी आप समझ गए अभिप्राय, काम और अर्थ में अर्थ को ही चुनता है, मतलब जब भी है वह अपना टारगेट को चुनता है, आप काम का अर्थ समझिए इंद्रिय सुख और अर्थ का अर्थ समझिए अपना टारगेट अपना लक्ष्य, तो जो इंद्रिय सुख और लक्ष्य में अपने लक्ष्य को ही चुनता है वही मानव है, मतलब अपना टारगेट को चुनता है, इंद्रिय सुख में टाइम वेस्ट नहीं करता है, और जो अपने टारगेट में अपना लक्ष्य को पाने में अपने प्रयोजन में अपना समय संपदा बर्बाद करता है या समय संपदा लगाता है, बर्बाद करना तो नहीं कह सकते उसको, लगाता है सच्चे अर्थों में वही महामानव है।